खबर गाजीपुर जनपद के मनिहारी ब्लॉक अंतर्गत हंसराजपुर ग्राम सभा चर्चा में है, जहां विकास को देखा जाए तो धरातल पर विकास दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें कि रामलीला ग्राउंड में बना ग्राम पंचायत सचिवालय काफी खूबसूरत दिखा। सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि सुबह से शाम तक प्रधान की उपस्थिति सचिवालय पर मिलेगी। आइए जानते हैं कि ग्राम सभा के विकास पर प्रधान ने क्या कुछ कहा और किन किन समस्याओं का सामना प्रधान को करना पड़ता है। स्वागत है आपका। एक बार सबको अपना परिचय दीजिए आप। जी, मैं ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी, मनिहारी ब्लॉक के हंसराजपुर का वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ। इसके भी पूर्व में मैं दो बार धान रह चुका हूँ। जी, यानी कि आप पहले भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी जी आप जो है बतौर प्रधान यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। जी, जो पंचायती राज विभाग की जो मनसा है जी, वो आपके गांव में कितनी चरितार्थ हो रही है? जी, शासन और पंचायती राज विभाग की जो भी योजनाएं हैं जी, हमारे ग्राम पंचायत में तेजी से लागू हो रही हैं। हम लोगों ने अपने गांव में पंचायत भवन सचिवालय के माध्यम से गांव में आय जात निवास राशन कार्ड परिवार रजिस्टर का सारी सुविधाएं जो पहले ब्लॉक मुख्यालय से मिलती थी, अब ग्राम पंचायत कार्यालय से जारी कर रहे हैं और सुविधा दे रहे हैं। यानी जो वर्तमान में पंचायत सचिवालय है, जिसे पहले पंचायत भवन कहा जाता था, सचिवालय होने के बाद जो सारी सुविधाएं हैं, जो पत्रावलियां हैं, वो आपके यहाँ गांव सभाओं में जो सदस्य हैं उनको मिल रही है। जी, एक बड़ी उपलब्धि है आपके यहाँ। आपके यहाँ जो सामुदायिक शौचालय है उसकी क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है? जी, हमारे जो सामुदायिक शौचालय बना है बाजार के मध्य में बना हुआ है और वर्तमान में चल रहा है। वहाँ के महिला केयरटेकर जो समूह के माध्यम से संचालित कर रही हैं जी, प्रतिदिन समय सुबह खुलता है और रात्रि 8 बजे बंद होता है, जिससे हमारे बाजार में साफ सफाई या जो बाहरी लोग आते थे व्यापार के दृष्टि से, उनको लाभ मिल रहा है और बहुत ग्रामीण और क्षेत्रवासियों में इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि पूर्व में भी गुप्ता जी, यानी कि ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी, CM सम्मान से नवाजे जा चुके हैं अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए। इसलिए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अपने ग्राम सभा में आप विद्यालयों को किस श्रेणी में देखना चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? जी, हमारे ग्राम पंचायत में जो कायाकल्प के 19 बिंदु हैं जी, इनमें अच्छा सारे 19 बिंदुओं पर कार्य कराया जा चुका है और हम अपने विद्यालय को एक मॉडल विद्यालय के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था है, जो शहरों के स्कूलों में व्यवस्था है, वो हमारे गांव में हमारे विद्यालय में ऐसा हो और हमारे गांव का जो गरीब तबका है और हर तबके के लोग उसमें शिक्षा अध्यापन करें और सहयोग करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो वर्षा का जल है उसके संरक्षण को आप कितना महत्व देते हैं? बहुत महत्व। दिन पर दिन ऐसे रिपोर्ट आ रही है कि हमारे भूगर्भ का जल स्तर गिरता चला जा रहा है जी। शासन की भी मंशा है कि जो सार्वजनिक भवनें हैं वहाँ रेन हार्वेस्टिंग बनाया जाए। हमारे पंचायत भवन पर भी यह सुविधा बनाई गई है, विद्यालय में भी बनाया गया है और जहाँ हमारे ग्राम पंचायत में जल निकास की सुविधा नहीं है वहाँ हम सुविधा गड्ढा के माध्यम से और आदि के माध्यम से रेन हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। आप पहले भी अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से नवाजे जा चुके हैं, पुरस्कृत किए जा चुके हैं, एक बार फिर से आपको नॉमिनेट किया जा रहा है। आप उन किन बिंदुओं को प्रकाशित करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जिससे आपकी गांव का जो विकास है वो रुक रहा है? जी, हमारे यहाँ तो हम 2021 में माननीय मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना के तहत हमें चयनित किया गया था और जो धनराशि मिली थी हम अपने विद्यालय में और अपने स्वच्छता कार्य लगाए ताकि लोग यहाँ निरोग रहें और अपने उत्तम स्वास्थ्य के साथ अपने गांव का विकास करें। सहयोग तो मिलता रह रहा है सर, थोड़ा सा ये है कि जैसे हम लोग अपने ग्राम पंचायतों में अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन खंड विकास के स्तर से उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है या सहयोग नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा बाधाएं आ रही हैं लेकिन अधिकारियों से हम संपर्क में हैं। किस तरीके की बाधाएं आ रही हैं? बाधाएं सर ये आ रही हैं कि जैसे किसी भी योजना के विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो
तो इसके लिए उचित जानकारी भी नहीं मिल पा रही है, और जो भी पत्रावलियां हैं उनको समय से ब्लॉक स्तर से निस्तारण नहीं किया जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जब हम अपने गांव में विकास आदि का काम करते हैं तो पहले गांव स्तर का विकास होता है सर, इसमें छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, हम लोग पहले लेखपाल के पास दौड़ते हैं, पुलिस प्रशासन के पास दौड़ते हैं, फिर कहीं ना कहीं फिर ब्लॉक स्तर से जब बाधाएँ आती है तो थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन सारी समस्याओं को झेलकर हम अपने गांव में विकास कर रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि यदि हर एक विभाग अपना कार्य सुनिश्चित करे तो प्रधान को इतनी जद्दोजहद न करनी पड़े, उसका समय बचेगा और वो अन्य विकास के कार्यों में उसका सदुपयोग कर पाएगा। जी, एक बार फिर से आपको बता दें, ये ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं जो गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक में, इनकी ग्राम सभा का नाम हंसराजपुर है, तीसरी बार ये प्रधान हुए हैं, एक बार सीएम अवार्ड से नवाजे भी जा चुके हैं, दूसरी बार ये नामित भी है, और अपने जो ब्लॉक का संघ है, एसोसिएशन है प्रधान का, उसके उपाध्यक्ष भी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके गांव के चौमुखी विकास में आपका सहायक हुआ हो? जी, हम पहली बार ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे तो हम सोचते थे कि हमारे ग्राम पंचायत में सचिवालय बने, सामुदायिक शौचालय बने, मैं अगर मेरे ग्राम पंचायत का जो भी सपना साकार हो रहा है, हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ ही हमारे ज़िले के दिलों के धड़कन और हम लोगों के मार्गदर्शन माननीय MLC साहब जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके माध्यम से और सहयोग से हमारे ग्राम पंचायत में सचिवालय बना और निरंतर हम लोग विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यानी कि आप विशाल सिंह चंचल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ, उन्होंने एक अच्छा सहयोग किया आपकी ग्राम सभा में, साथ ही साथ प्रदेश के जो मुखिया हैं जिनकी प्रशंसा आज पूरे उत्तर प्रदेश में होती है, जी उनको भी आप धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, आपके बोलने के लिए सही, हमारे हर प्रत्येक गांव में ग्राम सचिवालय बना, सामुदायिक शौचालय बना, विकास में जो भी बाधाएं आ रही हैं शासन स्तर से पूरा सहयोग मिल रहा है। हम साथ उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ माननीय MLC साहब को भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।